जी, और ऐसा करने वाले में बिहार की पहली पहली लड़की लड़की है। कितना गर्व हो रहा है मुझे कहते हुए, ये बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। रास्ते में तो कमेंट बाजी होती है, एक लड़की हूँ तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये सब मेरे लाइफ में मायने नहीं रखता। बोलने जा रहे थे लोटा लेकर, तो मैं जा रही थी सीधे, तो वो मुझे बोलते ए लड़की कहाँ से आ रही है, तो मैं बोली शमशान घाट से। तो वहाँ से वो लोटा को फेंके और दौड़ के निकल गए, भाग गए। हाँ, वहाँ से भाग गए। फिर मुझे लगा क्या हो गया, क्यों भाग गए। तो फिर समझ में आया, मैं अपने आप को देखी, मोबाइल निकाल, देखते हुए पूरा ब्लैक लग रही हूँ, धूप से ब्लैक ड्रेस था। अभी मेरे साथ बिहार की एक ऐसी वीरांगना खड़ी है, इनकी परिचय यह है कि यह लड़की साइकिल से पूरे बिहार के जितने भी जिले हैं पूरे जिले को कवर कर चुकी है। अभी मेरे साथ अर्पना जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सीके टीवी इंडिया ने जी। और ये अभी पूरे बिहार को साइकिल से चक्कर लगा करके मेरे पास अभी आई है और हम इनका अभी इंटरव्यू कर रहे हैं। तो अर्पना जी बताओ, आपकी जब आप साइकिलिंग करती हैं तो साइकिलिंग के दौरान आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रास्ते में ऐसी होती है, पहले तो हो गया धूप इतनी तेज़ कि सूर्य भगवान को देखा जाए तो अपने तापमान को कम नहीं कर रहे थे। और मेरी जो साइकिल इतनी जिद्दी थी कि वो अपनी रफ्तार नहीं कम कर रही थी। क्या बात है, देखिए शुरू से ही मोटिवेशन चालू हो गया। अगली सवाल ये है कि आपने साइकिलिंग का कैसे सोच लिया? मेरा पहले से शौक रहा कि एक्चुअली मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करती थी, तो ऐसे लोग क्या किए ना, बीच में होता है ना विश्वास तोड़ना, मतलब कि कोई और नहीं माउंटेन के लिए, सब लोगों ने बोला कि हाँ मैं फंडिंग करूँगा। मुझे एक उम्मीद थी कि मैं ऊँची ऊँची माउंटेन क्लाइंबिंग करूँगी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने बोला और जब टाइम आई तो पीछे हट गए। तब से मैं सोची कि मैं कुछ फिर से अलग करती हूँ, मतलब अपना अपने अंदर के विश्वास को टूटने नहीं दी, उसी चीज़ को की लेकिन थोड़ा हट के। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट की हूँ और प्रॉपर मेरा गाँव हो गया दीपनगर मेघी, लेकिन मैं बिहार शरीफ में रहती हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की हैं? मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हो गई और अभी मैं बीपीएड कर रही हूँ नागपुर से। नागपुर से बीपीएड? जी। ये बीपीएड क्या होता है? फिजिकल टीचर एजुकेशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये साइकिलिंग आप करती हैं तो अकेले करती हैं कि आपके साथ कोई और भी टीम में है? मैं अकेले करती हूँ, सोलो ट्रिप। समझ के देखिए, अकेले सोचने पर भी सोचने में कितना अजीब लग रहा है, अकेले और भी एक लड़की सोलो ट्रिप करती है, वो भी साइकिल से, और पूरे बिहार को यात्रा कर रही है। बिहार में लगभग जितने भी जिले हैं सबको जिला हो गया कवर जी, और ऐसे करने वाले में बिहार की पहली लड़की है। कितना गर्व हो रहा है मुझे कहते हुए, बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये सोलो ड्राइव करने वाली, वो भी साइकिल से, बिहार की पहली लड़की ये अर्पना है। तो इनके लिए एक कमेंट तो ज़रूर बनता है, आप लोग कमेंट कीजिए और ये वीडियो को शेयर भी करना बनता है। और अपना जी ये बताइए कि जब आप इस तरह से साइकिलिंग कर रही हैं तो करने के दरमियान आप जब फील्ड में निकलती होंगे, रोड पर जाती होंगी, तो अकेले जाना और वो भी रात दिन एक करके रोड पर चलना, चलने में क्या क्या समस्या होता है वो तो आप जानते ही होंगे। जी जी। तो उस समस्या को भी हमारे दर्शकों को बताइए ताकि वो लोग भी जाने आपके बारे में और जान करके आपसे कुछ प्रेरणा ले सके। और बिहार में जो भी लड़की अपने घर के चूल्हा चौकी में बिजी रहती है वो भी एक बार अर्पना जी के स्टोरी जान करके कुछ नया करने के लिए बदलाव करे और कुछ वो भी अपना अलग करे। तो अर्पना जी बताइए, आपको जब इस तरह से सोलो ड्राइव करती है तो क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए रास्ते में तो कमेंट बाजी होती है, एक लड़की हूँ तो ये तो झेलना ही पड़ेगा। अच्छा। लेकिन ये सब मेरे लाइफ में मायने नहीं रखता है। और दूसरी बात, इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरा, दरभंगा एयरपोर्ट में तीन लड़के थे, लहरियाकर होता है ना मारना, रॉन्ग वे चला रहे थे, तो उन्होंने मेरी साइकिल को टक्कर दिया तो मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, डेंजरस चोट थी। लेकिन उस टाइम भी मैं हार नहीं मानी, एक्सीडेंट हुआ तो इनफैक्ट मुझे कभी भी कुछ ही होता तो गिरने वाला खासकर, तो मैं वहाँ पे फोटो जरूर क्लिक करती हूँ याद रखने के लिए। तो फिर मैं फ़ोटो क्लिक की और फिर खुद से बैंडेज की, डॉक्टर के पास भी नहीं गई। और फिर वहाँ से उसी दिन उसी टाइम में 22 किलोमीटर साइकिलिंग और की और फिर रेगुलर मेरा जर्नी स्टार्ट रहा। सोचने में कितना अजीब लग रहा है, सोचकर भी मेरा मतलब मैं तो इतना इनसे मोटिवेट हूँ कि मैं क्या बोलूँ आप लोग को। ये इंटरव्यू है, समझिए कि मैं खुद इनसे सीख रहा हूँ। ये बताइए कि बिहार की यात्रा पर आप जब निकली थी तो कितने दिन में पूरे बिहार को चक्कर लगा ली?
ये मैं 26 जून को निकली थी और 25 जुलाई को कंप्लीट की। लगभग पूरे 30 दिन का मेरा ये ट्रैक हुआ और 38 जिला मैं कंप्लीट की। ये मेरा 28 दिन में ही हो जाता, लेकिन मैं 2 दिन डिले कर दी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मैं रेस्ट नहीं की तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गई थी। हरासमेंट हो गया जी। समझिए कि इतने अच्छे काम पर निकले हुए हैं और उसके बाद भी इनके साथ रास्ते में जो है लड़के मिलते हैं और कमेंट बाजी करते हैं इनके साथ। जब ये बाइक से निकलती है लहरिया कट मारना, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है वो भी एक लड़की को। और एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है वो भी बिहार में, क्या क्या परिस्थितियों का झेलना पड़ता है वो आपके सामने है। अर्पना जी हैं और ये बिहार यात्रा पर जब साइकिल से निकली तो इनके साथ बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ा। एक आपको बता रही थी मुझे वो स्टोरी जो ऑफलाइन थे शमशान घाट वाला, वो थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को ताकि वो लोग भी जाने और इसी से सीख मिले कि ऐसा भी होता है। वो जब मैं इसी साल में 9 मार्च को नेपाल से, ये सॉरी बिहार शरीफ से अपने, कोई भी मुझे जर्नी स्टार्ट करना होता है तो मैं अपने घर से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं बिहार शरीफ से स्टार्ट की थी काठमांडू के लिए, अकेले जा रही थी। तो काठमांडू बॉर्डर इंटर करने से 20-25 किलोमीटर पहले क्या हुआ कि मैं अपना लोकेशन से जा रही थी तो मेरा लोकेशन आगे जाके कट करना था। तो मेरी मम्मी बोली कि ग्रामीण लोग से भी पूछ लिया करो, हमेशा खुद की जिद्दी मत बनो। मैं बोली चलो, गार्जियन बोल रहे मान ही लेती हूँ। तो मैं वहाँ पे पूछी तो 4 लड़के थे। मैं बोली भैया रास्ता सही है? तो बोले हाँ सीधा जाना है। बोले लोकेशन? तो बोले उसको बंद कर दीजिए। मैं बोली चलो सही बोल रहे हैं। मैंने बंद कर दिया लोकेशन। फिर मैं जाती रही, राइट साइड नदी है, लेफ्ट साइड पूरा खेत है, पूरा खाली है, कोई नहीं दिख रहा है। तो मैं जा रही अचानक से मुझे कुछ चमका। अच्छा। तो मुझे खुशी हुआ कि अरे वाह, नहीं नहीं कोई नूर की बात नहीं है। तो मैं एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को देखने के लिए कि क्या चमक रहा है। तो मैं जैसी गई ना लेफ्ट ना राइट, साइकिल को लगाई, गड्ढे था, गड्ढे में जाके बैठ गई। फिर मैं वो चमकते हुए चीज़ को उठाई तो हाथ में तक चमक रहा था। तो उठाई उसे, स्मेल की, स्मेल करने के बाद बहुत अजीब सा स्मेल आया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि ये राख है। अगल बगल देखती हूँ तो बहुत बड़ा शमशान घाट था। पहले अब शमशान घाट नहीं दिखा? नहीं, मुझे कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अचानक से मैं वहीं पे बैठी थी और उधर ऐसा शमशान घाट होता है कि गड्ढे करके लाश को जलाया जाता है, तो बहुत सारे गड्ढे थे। तो मैं गड्ढे में बैठी थी तो उस राख को वहीं पे रखी, बहुत हंसी। एक जगह तो लकड़ी से धुआं ही निकल रहा था और सारे कपड़े बिखेरे हुए थे। फिर हंसी बहुत, फिर वहां से निकली। 3 और मिला तो एक ओल्डेज आ रहे थे लोटा लेकर। तो मैं बोली, मैं जा रही थी सीधे, तो वो मुझे बोलते ए लड़की कहाँ से आ रही है? तो मैं बोली शमशान घाट से। तो वहां से वो लोटा को फेंके और दौड़ के निकल गए, भाग गए। हाँ, वहां से भाग गए। फिर मुझे लगा क्या हो गया, क्यों भाग गए? तो फिर समझ में आया, मैं अपने आप को देखी, मोबाइल निकाल, देखते हुए पूरा ब्लैक लग रही हूँ धूप से, ब्लैक ड्रेस था। तो फिर मुझे टाइमिंग देखती 12 बज रहा है दिन का, तो मुझे लगा पक्का ही मुझे चुड़ैल समझे होंगे। तो वहाँ से फिर भाग गए। फिर मुझे और हंसी आने लगी। जब भी मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं पहले हंसती हूँ और हंसने से मुझे लगता है कि सारा प्रॉब्लम दूर हो जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। और आप बिहार के जो लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं और खास करके लड़कियों के लिए, क्योंकि आप बिहार के पहले सोलो साइकिलिंग ड्राइविंग कर की हो, तो बिहार के लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? यही कहना चाहूँगी कि डर तो सबके अंदर होता है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी डर है, लेकिन उस चीज़ को मैं अपने आप पे हावी नहीं होने देती हूँ। मैं उसे, अगर डर भी लगता है तो दूसरे के सामने उसे शो नहीं करती हूँ। एक सवाल और है मेरा, ये सवाल बहुत लोगों को होगा, आपके घर वाले कभी नहीं रोके कि क्यों जा रही है, जाने में आपको बहुत सारे दिक्कत होगा, अकेले जाती हो और वो भी बिहार के 38 जिला में जाना है, कौन जिला में क्या दिक्कत है? बहुत सारे जिला ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुमंडल प्रखंड होते हैं जहां पर बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वहां पर लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। बहुत सारे आपको लड़की हो, लड़की के साथ छेड़छाड़ भी लोग करते हैं, तो घर वाले इस तरह से रोके नहीं? ये क्वेश्चन आप ही का सिर्फ नहीं है, सब लोगों ने मुझसे किया। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि सिर्फ मेरा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। तो ये पहले होता है ना कि परिवार के ऊपर विश्वास बनाना। मैं परिवार का विश्वास जीती तो उन्होंने मुझ पे आँख बंद किया, मुझ पर भरोसा करते, और मैं उनका भरोसा का कभी गलत फायदा नहीं उठाती हूँ। आज उसी का नतीजा है कि मुझे कहीं भी जाना होता है तो अकेले निकलती हूँ। अच्छा, अकेले निकलती हैं, आपके साथ क्या क्या सामान होता है? जो भी मुझे ये साइकिलिंग के दौरान मुझे जो भी ज़रूरत की चीज़ें रखनी होती है वो मेरे बैग में, सारे बैकपैक में रहते हैं। साइकिल अगर पंचर हो जाए तो? सब चीज़ रहता है। बना लेती हो? वो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन बना लोगी? हाँ, बनाने आता है मुझे।
पहले तो आपको साइकिल खोल करके पूरा बनाना सीखना होगा। सब चीज आता है मुझे। क्या बात है, सैल्यूट है आपको। ये हमारे बिहार के वीरांगना है और ऐसे वीरांगना को मेरे तरफ से आपको सैल्यूट है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप और लोगों को आप एक प्रेरणा हैं और बिहार के पहली सोलो राइडर हैं, वो भी साइकिलिंग राइडर हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए और अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, आपसे अगर कोई बातचीत करना चाहे तो आप अपना कोई मेरा इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी बताइए, Arpana2234 एंड फेसबुक पेज है अर्पना सिन्हा, तो उस पर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सपोर्ट लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, अभी देखा जा रहा है तो मेरा संडे को गया में भी प्रोग्राम है। हाँ? यहाँ आने के बाद तो मैं संडे को गया भी जा रही हूँ, तो गया में जो भी लोग हैं वो जुड़ सकते हैं मुझसे। चलिए, गया में जुड़िए और ऐसे लड़कियों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो बिहार को कुछ बदलाव करना चाहते हैं, बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं और लोगों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देख रहे थे सीखे। हाँ, कुछ बोलना चाहिए? मैं एक चीज़ ये भी देखी, ये जब मैं साइकिलिंग एक्सप्लोर पे निकली तो जितना लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं उतना है नहीं। हाँ, यस, क्या बात है, कैसे कैसे कि मैं एक लड़की होकर खुद इस चीज़ को देखी, बस एक एक्सीडेंट और एक्स्ट्रा मैं कहीं पे कुछ वैसा नहीं देखी। हाँ, और कहीं पे मुझे ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। क्या बात है, चलिए, इनका एक्सपीरियंस है, बिहार को लोग अब अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा होता है कि जब आप निकलेंगे ना तो आपको बहुत सारे सपोर्ट करने वाले लोग मिल जाते हैं। हाँ, और नहीं, ऐसे देखा जाता है कि बहुत सारी चीज़ पे बिहार ये है, बिहार वो है, लेकिन मैं देखी हूँ नहीं, बिहार अच्छा है, बहुत बढ़िया है। चलिए, हमारा बिहार बहुत अच्छा बिहार है और बिहार को बदलना हम ही सबको है और ऐसे ऐसे युवाओं को ज़रूरत है और बहुत अच्छा काम कर रही है आप, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। तो आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, साइक्लिस्ट अर्पना जी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।